लॉकडाउन में अगर सबसे ज्यादा परेशानी है तो गरीब असहाय लोगों को सबसे ज्यादा परेशानी है, क्योंकि उनके सामने भूखमरी की समस्या उत्पन्न हो चुकी है और इसको देखते हुए कई समाज सेवी लोग भी आगे आए हैं और जरूरतमंद लोगों को भोजन सामग्री वितरित कर रहे हैं। पूर्व महापौर अवधेश यादव अपनी पत्नी सरिता देवी के साथ सैकड़ों गरीबों के बीच राहत सामग्री वितरित किए। इस अवसर पर पूर्व महापौर अवधेश यादव ने कहा कि जब तक संभव होगा गरीबों असहाय और जरूरतमंद लोगों के बीच राहत सामग्री वितरित किया जाएगा। संकट की घड़ी में हर कोई गरीबों को सहायता करने के लिए आगे आ गए हैं, जिसमें पूर्व महापौर अवधेश यादव अपनी पत्नी के साथ सैकड़ों गरीबों के बीच राहत सामग्री का वितरण किए। इस अवसर पर पूर्व महापौर अवधेश यादव की पत्नी सरिता देवी ने कहा कि जब तक आवश्यकता होगी तब तक गरीबों की सेवा किया जाएगा। गरीबों के बीच 5 किलो चावल, आलू के अलावा साबुन, मास्क का भी वितरण किया गया। इस अवसर पर पूर्व महापौर अवधेश यादव ने आम जनता से, आम लोगों से भी अपील किए, हर व्यक्ति को इस संकट की घड़ी में गरीबों को सहयोग करनी चाहिए। 5 किलो चावल, 3 किलो आलू और प्याज। ये कितने दिनों से आप बांट रही हैं? हम आज से शुरुआत की। अच्छा, ये कब तक देने की उम्मीद करते हैं? जब तक हमसे होगा हम देंगे, जब तक महामारी ये खत्म नहीं हो जाता है, जब तक हमसे सब रहेगा उतना हम अपना सहयोग करेंगे। क्या नाम हो आपका? सरिता देवी। महामारी है, अब कोरोना महामारी को देखते हुए पूरे भारत में लॉकडाउन है और लॉकडाउन में गरीबों को कुछ नहीं मिल पा रहा है, तो हम लोग अपने स्तर से जो भी मदद करना है हम लोग कर रहे हैं, चावल वितरण और आलू वितरण कर रहे हैं। अभी तक ऐसा देखा जा रहा है कि आप भी महापौर हैं, आपके बाद भी बहुत से लोग जैसे कि सुनील यादव, प्रियम जी ने भी महापौर के पद संभाली है, लेकिन उन लोगों की तरफ से कुछ नहीं, और क्या कहेंगे ऐसे लोग आपने सब? देखिए, हम तो सब लोगों से अपील करेंगे कि अपने अगल बगल जो भी दलित बस्ती है और गरीब लोग हैं उसको मदद करें। मैं उस पर विशेष टिप्पणी नहीं करूँगा, अपना अपना ही विचार है और ये विचार और आना चाहिए। हम तो पूरे भरतपुर वासियों को कह रहा हूँ कि अपने इलाके में जो भी जरूरतमंद लोग हैं उनको वितरण अपने स्तर से जो भी हो, 10 हो 15 हो 20 हो करना चाहिए, ये मेरा अपील है। कितने दिनों तक करेंगे आप? मैं अब आज से शुरू किया हूँ और जितने दिन लॉकडाउन रहेगा अपने स्तर से जो मदद करना है मैं करूँगा।